तो ये देखिए हमने आलू के जो भरते को इसमें मिर्ची के पकोड़े में भरा था वो कितना बढ़िया है, ये देखिए इसका। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्ची के पकोड़े, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने लगभग 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं और एक छोटा साइज का प्याज, एक इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी हरी धनिया। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम थोड़ी सी तेल डाल के खड़ा जीरा डालेंगे। खड़ा जीरा हमने लगभग आधी चम्मच के लगभग इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। तो प्याज और अदरक को हम इसी स्टेज में भून लेंगे इसे। तो ये देखिए हमने अदरक भी डाल दिया है। अब दोनों को हम एक साथ भून के उसके बाद फिर से हम आलू डाल देंगे। यहाँ पे आलू की जो मात्रा हमने लिए थे वो लगभग 250 ग्राम के आसपास आलू है। और आलू का जो ये स्टफिंग हम तैयार करेंगे, ये जो चोखा तैयार करेंगे इसका, वो हरी मिर्च में भरने के लिए। तो आलू को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे आलू को भूनने के लिए हमें नमक और हल्दी दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे हरी धनिया यहाँ पे ऐड करके फाइनली हम चोखे को भून लेंगे। तो हमारा चोखा भून गया है। तो अब हम हरी मिर्च लेंगे और हरी मिर्च थोड़ी सी मोटी वाली लेंगे ताकि इसमें फीलिंग हम इसका भर सके जो आलू के भरते हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखिए चीरा लगा लिया। आप चाहे तो इसके बीज को निकाल भी सकते हैं, हमने यहाँ पे बीज को इसके नहीं निकाला है। तो आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं। आप बीज निकालेंगे थोड़ी सी स्टफिंग इसमें ज़्यादा आएगी। तो इसी प्रकार से हमने सारे मिर्ची को चीर के अब इसे हम इसमें फिलिंग डालेंगे, ये जो आलू के हमने बनाए हैं। तो उसे आप इस प्रकार से उंगलियों के सहारे आप इसमें भर सकते हैं। आप चाहे तो किसी चम्मच या चाकू की मदद से भी इसमें भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने सारे मिर्ची में ये जो आलू के चोखे हमने बनाए हैं उसे अच्छे से इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हम इसी प्रकार से हल्के हाथों से इसमें सारे को भरेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारा मिर्ची जो है भर गया है। तब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो इसके लिए हमने लगभग ये बेसन लिया है लगभग 50 ग्राम के आसपास और उसका आधा चावल का आटा और उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी खड़ा जीरा। तो इसमें जो हमने चावल काटा लिया वो बेसन का हम आधा रखेंगे। तो अब इसी प्रकार से इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा फाइनली इसका जो घोल है तैयार हो गया है। तो इसमें सारे मिर्ची को हम अच्छे से डाल देंगे इसी प्रकार से। और एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसके बाद सारे मिर्ची को हम इस प्रकार से डालेंगे। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट होना बंद हो गया था। तो उसके बाद हमने सारे मिर्ची को इसी प्रकार से एक एक करके डालेंगे। हमने कम तेल का प्रयोग किया है। आप चाहे तो बहुत ही ज़्यादा तेल में थोड़ी कम मात्रा देके भी इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये बना है। थोड़ी सी यहाँ पे हमारा जो आँच यहाँ पे तेज हो गया था, बस थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है। आप चाहे तो ज़्यादा तेल डाल के थोड़ी सी कम मात्रा में डाल के भी मिर्ची को फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ही बैच में सारे मिर्ची को निकाल लिया था। तो ये देखिए इसी प्रकार से कितना बढ़िया ये ब्राउन होके अच्छे से ये पका है। अब फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे करके इसे पकाएंगे। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारी ये मिर्ची का पकौड़ा बनके तैयार है।
तो हम इसकी ये देख लेते हैं, इसके बीच में जो हमने आलू या स्टफिंग भरा था, तो है ना ये बिल्कुल बढ़िया। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार फ्रेंड जरूर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।